प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं हरदविंदर। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप MIT ऐप इन्वेंटर से एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर पे। तो अब हम पहुंच गए हैं कंप्यूटर पे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आप ऐप इन्वेंटर से कोडिंग कर सकते हैं। तो MIT ऐप इन्वेंटर टाइप करना गूगल में और आपने ये खोल लेना है ऐप इन्वेंटर की साइट, appinventor.mit.edu। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट ऐप पे, और फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा अपने लॉगिन आईडी, आप जीमेल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे, और माई प्रोजेक्ट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर लेना और प्रोजेक्ट का नाम दे देना है टॉकिंग ऐप डेवलपमेंट, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने कनेक्ट करना अपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ। जो भी डेवलपमेंट आप यहाँ पे करोगे, सेम डेवलपमेंट आपको अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल के साथ आपको कैसे कनेक्ट करना है, सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी होना चाहिए, और उसमें आपने MIT ऐप इंस्टॉल करके रखना है। और कैसे कनेक्ट करना है, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट जो भी करोगे सेम आपको मोबाइल पर भी डिस्प्ले होगी। तो कनेक्ट कैसे करना है मोबाइल को, सबसे पहले आपने क्लिक करना है कनेक्ट पे, और उसके बाद आपने AI कंपेनियन पे क्लिक करना है। तो आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। तो यहाँ ये कोड आपने अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में मैंने MIT ऐप इंस्टॉल कर रखा है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू विदाउट वाईफाई कर देता हूँ। स्कैन QR कोड पे क्लिक करेंगे आप, और ये स्कैन कर लेंगे, और ऐसे ये स्कैन हो गया आपका कोड। तो स्कैन होने के बाद ये सेम आपको अपनी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा। तो कुछ टाइम ये डिस्प्ले होने में लगेगा, वेट कीजिए आप। तो इसके बाद स्क्रैन होने के बाद ये सेम स्क्रीन आपके मोबाइल पे भी डिस्प्ले होगी, और जो आप कंप्यूटर पे बना रहे हो सेम आपके मोबाइल पे भी ये डिस्प्ले होगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बटन लगाते हैं हम। ये बटन हमने लगा दिया, और बटन का नाम चेंज कर देते हैं। बटन का नाम चेंज करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर टेस्ट टू बटन पर, इसका नाम रख लेते हैं टॉक टू मी। तो बटन का नाम डिस्प्ले जो ऐड हो गया। उसके बाद इस बटन की कोडिंग करनी है आपने। कोडिंग करने के लिए इस बटन पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि वो स्पीक आउट करे, कुछ मैसेज प्रिंट स्पीक आउट करे। तो क्या मैसेज पे स्पीक आउट करवाने के लिए आपको यहाँ से मीडिया से लेना होगा टेक्स्ट टू स्पीच। ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, उस साइड पे आपके पास यहाँ पे आ गया। अब हमने इसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग के लिए आप ब्लॉक में जाएंगे, सेम लाइक स्क्रैच की तरह यहाँ पे कोडिंग होती है। इस पे सबसे पहले बटन की कोडिंग करनी है, तो बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, तो हम लिख सकते हैं व्हेन बटन क्लिक डू। तो व्हेन बटन क्लिक डू व्हाट डू, तो ये टेस्ट टू स्पीच में आएंगे। तो क्या करे, ये कॉल करे, तो कॉल को इसके अंदर फिट कर देते हैं। कॉल करे टेस्ट टू स्पीच, क्या स्पीक करे, इसके लिए आप यहाँ से टेस्ट से ले लेते हैं मैसेज। तो ये मैसेज आपने यहाँ पे अटैच कर देना, और यहाँ पे मैसेज टाइप कर देना जो भी आप इससे स्पीक करवाना चाहते हैं। इट्स ग्रेट आई हैव डिवेल्प्ड एंड्रॉयड ऐप। उसके बाद आपका ये ऐप रेडी हो गया। आप इसको मोबाइल पे टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन है जो आपकी डिस्प्ले हो रही है, जो अभी डिज़ाइन में आपने ये स्क्रीन है। इस बटन पे क्लिक करके मोबाइल में टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपका ऐप चल रहा है या नहीं। तो मोबाइल में कैसे टेस्टिंग करनी है ये चेक करते हैं हम चेक करेंगे कि इसकी टेस्टिंग करेंगे जो अभी हमने डेवलप किया। इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो क्लिक करते हैं इस बटन पे। It's great. I'm developed an Android app. हाँ, ये बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। तो अगली वीडियो में और भी हम सीखेंगे कि कैसे हम और इसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।